रामभक्त भील राजगुह। गंगा के इस प्रदेश पर भीलों का अधिकार था और उनके राजा का नाम गुह था। एक लोकप्रिय एवं सशक्त शासक होने के साथ ही साथ गुह राम का भक्त भी था। यह ज्ञात होने पर कि राम अपने लघु भ्राता लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ उसके क्षेत्र में आए हुए हैं, वह अपने मंत्रियों तथा परिजनों के साथ उनके स्वागत के लिए आ पहुंचा। भीलराज गुह को देखकर राम स्वयं आगे बढ़े और उनसे गले मिले। वक्कल धारण किए हुए राम, सीता और लक्ष्मण को देखकर गुह को अत्यंत क्षोभ हुआ। उसने विनयपूर्ण तथा आर्त स्वर में कहा, हे रामचंद्र, इस प्रदेश को आप अपना ही प्रदेश समझें। आप यहाँ का अधिपति बनकर यहाँ का शासन संभाल लें। आपके समान समदर्शी एवं न्यायवेत्ता शासक पाकर यह प्रदेश धन्य हो जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यह संपूर्ण भूमि आपकी ही है और हम सब आपके अनन्य सेवक हैं। इतना कहकर गुहराज ने अपने साथ लाई हुई सामग्री को राम के समक्ष रख दिया और बोले, हे स्वामी, ये भक्ष्य, पेय, लेह तथा स्वादिष्ट फल आपकी सेवा में प्रस्तुत है। आप कृपा करके इन्हें स्वीकार करें। आप लोगों के विश्राम के लिए व्यवस्था कर दी गई है। अश्वों के लिए दाना चारा भी तैयार है। गुह की प्रेममय वचनों को सुनकर राम बोले, हे निषादराज, आप इस प्रदेश के राजा हैं, फिर भी आप मेरे स्वागत के लिए पैदल चलकर आए हैं। मैं आपकी जितनी प्रशंसा करूं कम है। आपने दर्शन देकर हम लोगों को कृतार्थ कर दिया है। इस प्रकार निषादराज की प्रशंसा करते हुए राम उन्हें प्रेम पूर्वक अपने पास बिठा लिया और मधुर वाणी में कहने लगे, भीलराज, आपको सानंद और सकुशल देखकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। आपके द्वारा लाए गए इन उत्तमोत्तम पदार्थ के लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। किंतु बंधु, मुझे खेद है कि मैं इन्हें स्वीकार नहीं कर सकता। ये सारे पदार्थ राजा महाराजाओं के खाने योग्य हैं, किंतु अब हम तपस्वी हो गए हैं और हमारा भोजन तो केवल कंदमूल फल है, अतः हम इसे ग्रहण नहीं कर सकते। हाँ, अश्वों के लिए आप जो दाना चारा लाए हैं उन्हें स्वीकार करके मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, क्योंकि ये मेरे पिताजी के प्रिय अश्व हैं, जिनकी सदैव विशेष देखभाल की जाती है। गुह ने भीलों को अश्वों के विशेष प्रबंध करने के लिए आदेश दे दिया। संध्या होने पर राम, सीता और लक्ष्मण ने गंगा में स्नान किया तथा ईश्वर उपासना के पश्चात उन्होंने कंदमूल फल का आहार किया। गुहराज उन्हें उस कुटी तक ले गए जहां पर उन्होंने उनके विश्राम के लिए अपने हाथों से प्रेम पूर्वक तृण शयाएं बनाई थीं। कुटी में पहुंचकर गुह ने कहा, हे दशरथ नंदन, आप इन शयाओं पर विश्राम कीजिए। मैं आपका दास हूँ, अतः मैं पूर्ण रात्रि जाग कर हिंसक पशुओं से आप लोगों की रक्षा करूँगा। आप हमें सर्वाधिक प्रिय हैं, इसलिए आप लोगों की सुरक्षा के लिए रात भर मेरे सभी साथी धनुष बाण लेकर तत्पर रहेंगे। उनकी बातें सुनकर लक्ष्मण ने कहा, हे गुहराज, मुझे आपकी शक्ति, निष्ठा और भैया राम के प्रति आपके अनन्य प्रेम पर पूर्ण विश्वास है। निःसंदेह आपके राज्य में हमें किसी प्रकार की विपत्ति की आशंका नहीं हो सकती, किंतु मैं भैया राम का दास हूँ, अतः मैं इनके बराबर में सो नहीं सकता। मैं भी रात भर आपके साथ पहरा देकर अपना कर्तव्य पूरा करूँगा। भीलराज गो और लक्ष्मण कुटी के बाहर एक शिला पर बैठकर पहरा देते हुए बातें करने लगे। लक्ष्मण ने गो को अयोध्या में घटित समस्त घटनाओं के विषय में बताया। इस प्रकार वह रात्रि व्यतीत हो गई।